जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पिन में आधार नंबर लिंक है या नहीं, कैसे आप पता कर सकते हो। जी हां दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा अलाउ कर दिया गया है पिन में आधार लिंक होना बहुत जरूरी है। तो भाई, लिंक है या नहीं है तो कैसे आप पता कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे आप पता करेंगे। तो इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके वजह से दोस्तों ये चीज़ें मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको पता करना है कि पिन में आधार नंबर लिंक है या नहीं है, तो क्या है कैसे चेक करना है। तो एक एक स्टेप मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो भाई आप लोग बने रहें, तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है, तो सिंपली मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूँ। इसमें आपको टाइप कर देना है इनकम टैक्स। यहाँ दोस्तों ये देखिए इनकम टैक्स यहाँ लिखा हुआ है नीचे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये देखिए नीचे लिखा गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए सबसे ऊपर जो है आपका साइड खुल के आ गया है इनकम टैक्स, ये देखिए सबसे ऊपर है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा हम नीचे जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक साइड में दिखाई दे रहा है लिंक आधार स्टेटस, यानी कि पिन में आधार लिंक है या नहीं आप यहीं से पता कर सकते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो भाई ये देखिए मेरा साइड खुल गया है, तो भाई आपको यहीं से चेक करना है। तो सबसे पहले आप इसमें अपना पैन कार्ड का जो नंबर है सबसे ऊपर डालेंगे, उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में आधार नंबर आपको डालना है, यानी पैन कार्ड का नंबर और आधार का नंबर। तो पैन कार्ड का जो भी जितना भी नंबर है आपको इसमें डायल कर देना है, और जितना भी आधार का नंबर है डायल कर देना। उसके बाद जैसे ही दोनों कंप्लीट हो जाएगा, यानी दोनों जैसे ही लिखेंगे, उसके बाद देखिए वेरीफाई लिंक आधार स्टेटस, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यदि आपका आधार पिन में लिंक होगा तो यहाँ शो कर देगा, आपका आधार नंबर शो करेगा, पैन कार्ड का नंबर शो करेगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों का नंबर यहाँ शो करेगा। तो आपको ऐसे ही कर लेना है, इसलिए दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि इतने समय मेरे पास से पिन कार्ड नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको यहां तक पहुंचाने की कोशिश किया। फिलहाल दोस्तों आप लोग कुछ करना नहीं है, आपने पिन कार्ड का नंबर यहां डाल देना है, उसके बाद आधार का नंबर डाल देना है। जैसे ही डालेंगे उसके बाद वेरीफाई लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो है यदि लिंक रहेगा तो शो करेगा, यदि लिंक नहीं रहेगा तो शो नहीं करेगा। तो आपको ऐसे ही चेक कर लेना है, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है। भाई आपको कोई भी परेशानी होती है चेक करने में तो हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आपको फिर से वीडियो बना करके बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा किस तरह से कैसे किया जाता है। तो फिलहाल इसलिए मैं इतने समय दोस्तों हमारे पास मौजूद नहीं है। फिलहाल दोस्तों चेक करने के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, पिन कार्ड नंबर और आधार नंबर। तो जैसे ही क्लिक करेंगे लिंक स्टेटस आधार पे, उसके बाद जो है आपका सब कुछ शो करेगा यदि लिंक रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है, चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।